तो इस वक्त हम चुनावी यात्रा में और पहुंच चुके हैं जिला रीवा के तहसील त्योथर में। चुनावी यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है और जैसा कि हम चाहते हैं कि हम आपको दिखाएं कि गांवों में चल क्या रहा है चुनाव के वक्त। चुनाव को यहां पर मतदान के दिन को लेकर काफ़ी अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, पर यहां पे देखा जाए त्योथर में तो किसी भी तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है, जैसा कि एक इतने बड़े चुनाव पे होना चाहिए, क्योंकि भारत देश पर इस लोकसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ भारत में सरगर्मी है बल्कि पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि भारत के जो मतदाता हैं वो किसको चुनने वाले हैं और क्या चल रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये यात्री प्रतीक्षालय थोड़ा यूज हो रहा है, तो जिस तरह से देखा जाए तो आप देख रहे होंगे ना कोई झंडा ना कोई बैनर। मुझको लगता है कि 10 से 15 साल पहले अगर लोकसभा का चुनाव हुआ होता तो कहीं ना कहीं झंडा बैनर ये सारी चीजें, ढेर सारी चीजें होनी चाहिए, ना कहीं मोदी दिखाई दिए ना कहीं कोई बहुत बड़े झंडे या बैनर दिखाई दिए लोकसभा चुनाव को लेकर। ये सब देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं, या जो भी इस क्षेत्र में अपने आप को अपोजिशन मानते हैं उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। और बीजेपी के बारे में भी मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि ये चुनाव जनार्दन मिश्रा जी ही जीतेंगे। पिछले 3 दिनों से मैं त्योथर में हूँ और मैंने कोई हलचल नहीं देखी, कोई काफिला नहीं देखा। हो सकता है कि ये सभाएं कहीं पे हो रही हो, तो ज़्यादातर देखा जाए तो मीटिंग्स ही होती हैं कि किस तरह से चुनाव मैनेज करना है या अंदर क्या चल रहा है। बाहर देखकर यह बिल्कुल नहीं कह सकता कोई इस वीडियो को देखने के बाद कि लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव के जो सबसे बड़े उम्मीदवार हैं या कहा जाए कि जो जीत के करीब है नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ उनकी ताकत को इस तरह से विश्व लेगा ये इस चुनाव पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। यहाँ पे ना तो बैटिंग देखी जा रही है ना बॉलिंग देखी जा रही है, एकदम शांति का माहौल है। हालांकि जब हम मतदाताओं से बात करते हैं तो ये तो बात जरूर है कि मतदाताओं ने ये तय कर रखा है कि वोट बीजेपी को देना है, ज्यादातर मतदाताओं ने। इसका मतलब जब मैंने उन लोगों से बात की तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा खुश थे या उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था या मिला जिसके वो पात्र थे, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि उनकी मुसीबतों की जड़ ही सरकार और सरकारी तंत्र के लोग थे। जब उनसे बात किया तब मुझे ये आभास हुआ, वो शख्स भी जब उससे मैंने बात किया तो उसने कहा बीजेपी को वोट दूंगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इस क्षेत्र को देख के, इसमें घूम के, यही हाल नागपुर में था, यही हाल जबलपुर में था, कोई माहौल ही नहीं दिख रहा है कि चुनाव है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज के समय में चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि ये चीज़ तो तय है कि ज़्यादातर लोग जो एक, जैसे मैंने रिक्शा वाले से बात किया था, ये BSP का यहाँ चुनाव प्रचार एक्चुअली देखा जाए तो मुझे कई बार देखने को मिला। BSP बहुत एक्टिवली इस लोकसभा में काम कर रही है और हो सकता है कि जनार्दन मिश्रा जी के लिए थोड़ी सी चुनौती वाला काम हो जाए। मैंने विधानसभा का चुनाव देखा है, विधानसभा में जिस तरह से तैयारी हुई, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, उस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी त्योथर में नहीं देखा जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज यही चीज़ जबलपुर का था, यही चीज़ नागपुर का था, वोटिंग परसेंटेज। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग उत्सुक भी नहीं हैं, ये मान लिए हैं, लोग भी मान लिए हैं कि बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीते, एक भारत का झंडा यहाँ पे लहरा रहा है, समझ गए ना। ये तो लोग भी मानते हैं कि बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा, तो उसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो कारण यही रहा है कि कांग्रेस में कोई भी एक्टिव लीडर जो यहाँ पे थे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, और कहीं ना कहीं इस वजह से इस क्षेत्र से भी विपक्ष लगभग ख़त्म ही हो चुका है। हालांकि देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र में, मतलब रीवा जिले में, सेवरिया जो सीट थी वो कांग्रेस के खाते में गई थी और बहुत
भयंकर टक्कर थी। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत भयंकर टक्कर थी अभय मिश्रा और केपी त्रिपाठी के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी के डोमिनेंस जहां पर ईवीएम पे सवाल उठता है और ढेर सारी चीजें होती हैं, वहां से इतनी कड़ी टक्कर के बावजूद अभय मिश्रा का चुनाव निकाल ले जाना ये बताता है कि उनमें दम बहुत है। किस तरह से वो चुनाव जीतते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उनके दांव जो दांव पेच हैं उन पे सवाल उठाना तो शायद बेईमानी होगी, क्योंकि वो साबित कर चुके हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। ऐसा भी देखा गया है कि जितने भी त्योथर में अपोजिशन के लोग थे वो सब अभय मिश्रा की लीडरशिप में इकट्ठे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो ये कहा जाए प्रचार प्रसार है वो उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक पोस्ट किया था मेरे खुद के फेसबुक अकाउंट से कि किस तरह से आप अगर एबीपी की वेबसाइट की कोई भी न्यूज उठा के देखो तो उसके तीन तरफ तो मोदी जी की फोटो के साथ में वोट करने की अपील की जाती है या कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की जाती है उपलब्धियों के बारे में।